अल्लाह तबारक व ताला के यहां माफी के और मगफिरत के उसूल हैं। उन उसूलों पर इंसान जब चलेगा, उन उसूलों की इंसान जब पाबंदी करेगा, तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से मगफिरत के वादे हैं, माफी की बशारतें हैं, बख्शिश की खुशखबरियां हैं। ऐसे ही इंसान गुनाह करता चला जाए और माफी की उम्मीद भी रखे तो ये जहालत है, बेवकूफी है और नादानी है। गुनाह को छोड़ना पड़ेगा। जब तक एक सूदखार सूदी मामलात करता रहे और अल्लाह की जात से ये उम्मीद भी रखे अल्लाह माफ कर देगा, एक हराम चीजों का इस्तेमाल करने वाला हराम खोरी करता रहे, हराम कमाता रहे और अल्लाह की जात से उसके साथ साथ उम्मीद भी रखे अल्लाह माफ कर देगा, एक बेहया दयूस और बेगैरत शख्स बेहयाई करता रहे, दयूसी करता रहे, बेशर्मी के काम करता रहे, गुनाहों की आलूदगी में मुब्तला रहे और अल्लाह की जात से उसके साथ साथ ये भी उम्मीद रखे कि अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है, तो ये सही तस्वीर। उस बंदे ने अल्लाह ताला की बारगाह में ये कहा, ये चीज़ क्या है, ये काम क्या है, मखलूक खुदा के साथ हमदर्दी, नरमी, रहमदिली। अल्लाह ताला की बारगाह में जब उसने ये अर्ज किया, नेकियों का अंबार, इबादत का ढेर तो नहीं लेके आया लेकिन ये एक काम है मेरे पास, अल्लाह ताला ने कहा अच्छा तू मेरी मखलूक के साथ रहमदिली क्या करता था, जा आज तेरे गुनाहों के बावजूद मैं तेरे साथ रहमदिली का मामला करता हूँ, तुझे माफ करता हूँ, जन्नत में तुझे जगह। यमशी बितरीकिन मर अला हुस्न शौकिन, एक आदमी था जो रास्ते से गुजर रहा था और रास्ते से गुजरते हुए देखा कि उसने एक खारदार कांटेदार झाड़ी है या उसकी शाख है जो रास्ते पे पड़ी हुई है और लोगों को उससे तकलीफ होती है, ईजा पहुंचती है, तो उसने ये सोचकर कि मखलूक खुदा को इससे तकलीफ पहुंच रही है, फअख्खरहु, उसको एक तरफ कर दिया, उसको रास्ते से हटा दिया, फशकरल्लाहु लहु फगफर लहु, अल्लाह की निगाह में उसके इस अमल की जो मखलूक खुदा के साथ आसानी का था बड़ी कदर हुई, अल्लाह ने उसकी बड़ी कदर फरमाई और उसकी मगफरत का ऐलान कर दिया, उसके लिए जन्नत वाजिब। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض وما سواه إلا حتى الله به خطايا كما تحط الشجرة ورقها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم درود الشريف عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज दीनी भाई, आज हम में से हर एक इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी चाहता है और उसकी ख्वाहिश ये होती है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी न किसी तरह
उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दें, उसकी ख़ताओं से दरगुजर फरमा दें। और आवाम में इस तरह की बातें भी ज़बान ज़द हैं कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला है, वो 99 के कातिल को माफ़ कर सकता है तो हमें माफ़ क्यों नहीं करेगा। बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला है, बेशक अल्लाह मग़फ़िरत और बख्शिश करने वाला है, और बेशक कुछ आमाल, कुछ नेकियां, कुछ काम ऐसे हैं जिनकी वजह से अल्लाह की मग़फ़िरत और बख्शिश मिलती है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदक़ा, खैरात, नवाफिल और दूसरे बहुत सारे आमाल ऐसे हैं जिन पर मग़फ़िरत और बख्शिश के वादे किए गए हैं। एक सहाबी हज़रत हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए, कया रसूल अल्लाह अखबिरनी अन अमलिन युदखिलनिल जन्नत, मुझे ऐसा अमल बताइए जो मुझे सीधा अल्लाह की जन्नत में ले जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न मिन मूजिबातिल मग़फ़िरा बदलुस सलाम व हुस्नुल कलाम, अल्लाह की मग़फ़िरत और बख्शिश लाने वाले जो आमाल हैं उनमें से एक सलाम करना है और अच्छे अंदाज से किसी से गुफ्तगू करना है। तो ये नेक आमाल और ये अहादीस जिनसे मग़फ़िरत और बख्शिश और जन्नत के वादे हैं और बशारतें हैं, बेशक अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन उनका ये मतलब नहीं कि हम गुनाह करते चले जाएं, हम अल्लाह की नाफरमानियां करते चले जाएं और गुनाह पर गुनाह करते हुए गुनाह पर इसरार करते चले जाएं और फिर ये उम्मीद रखें कि अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा गफूर है, अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, अल्लाह माफ़ कर देगा। ये सोच गलत है, ये तसव्वुर, ये ख़याल बिल्कुल गलत है। अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ माफ़ी के और मग़फ़िरत के उसूल हैं, उन उसूलों पर इंसान जब चलेगा, उन उसूलों की इंसान जब पाबंदी करेगा तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से मग़फ़िरत के वादे हैं, माफ़ी की बशारतें हैं, बख्शिश की खुशखबरियाँ हैं। ऐसे ही इंसान गुनाह करता चला जाए और माफ़ी की उम्मीद भी रखे तो ये जहालत है, बेवकूफ़ी है और नादानी है। गुनाह को छोड़ना पड़ेगा, जब तक एक सूदखार सूदी मामलात करता रहे और अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद भी रखे अल्लाह माफ़ कर देगा, एक हराम चीज़ों का इस्तेमाल करने वाला हराम खोरी करता रहे, हराम कमाता रहे और अल्लाह की ज़ात से उसके साथ साथ उम्मीद भी रखे अल्लाह माफ़ कर देगा, एक बेहया दयूस और बेगैरत शख्स बेहयाई करता रहे, दयूसी करता रहे, बेशर्मी के काम करता रहे, गुनाहों की आलूदगी में मुबतला रहे और अल्लाह की ज़ात से उसके साथ साथ ये भी उम्मीद रखे कि अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है, तो ये सही तसव्वुर नहीं है। इस तसव्वुर के साथ गुनाहों की माफ़ी और मग़फ़िरत की उम्मीद रखना खुद गुनाह। जब बंदा गुनाहों का एतराफ़ कर लेता है, गुनाह से तौबा कर लेता है और गुनाह से बाज आ जाता है, फिर अल्लाह ताला से मांगे और ये उम्मीद रखे अल्लाह माफ़ करने वाला है, तब अल्लाह माफ़ करेगा। पहले गुनाहों की कीचड़ से अपने आप को निकालना पड़ेगा, पहले गुनाहों की दलदल से अपने आप को निकालकर पाक को साफ करना पड़ेगा। तो कुरान और हदीस की रोशनी में तीन उसूल हैं, उन उसूलों की हम पाबंदी करेंगे, उन उसूलों को हम सामने रखेंगे और फिर अल्लाह तबारक व ताला से ये उम्मीद रखें अल्लाह बड़ा रहीम है, बड़ा गफूर है, वो माफ़ कर देगा, तो वाकई अल्लाह तबारक व ताला माफ़ फरमाएगा और मग़फ़िरत के दरवाजे और ख़ज़ाने खोल देगा।
قرآن کریم کی روشنی میں پہلا اصول وہ یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں سے باز آ جائے، توبہ کر لے، نیک اعمال سے، نیک کاموں سے اپنی زندگی کو مزین اور آراستہ کر لے، سجا لے، اور پھر اس پر جم جائے. اس کے بعد اللہ کی ذات سے امید رکھے کہ اب اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے. چوتھے پارے میں سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اللہ توبہ کس کی قبول کرتا ہے؟ اللہ کس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ اس شخص کے گناہوں کو جو جہالت میں، بے خبری میں گناہ کرتا ہے. بے خبری کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ اسے معاف کرتا ہے. گناہ کا علم ہے، گناہ کی جانکاری ہے، گناہ کے بارے میں معلوم ہے، پھر بھی لذت کی وجہ سے گناہ کرتا رہتا ہے، اس گناہ میں پڑا ہوا ہے، اس کے لیے اللہ کی معافی نہیں ہے. اللہ توبہ اس کی قبول کرتا ہے. یعملون السوء بجہالۃ، جو برائیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں جہالت، نادانی اور بے خبری سے. ثم یتوبون من قریب، گناہ ہو گیا، گناہ ہونے کے بعد اصرار نہیں کرتے ہیں، اڑے نہیں رہتے ہیں، بلکہ جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، فوراً توبہ کر لیتے ہیں، اس گناہ سے باز آ جاتے ہیں. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں اللہ جن کی طرف نظر کرم فرمائے گا، اللہ جن کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ جن کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اللہ علیم ہے، جاننے والا ہے، اللہ حکمت والا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہوں میں پڑے ہیں اور اللہ کی ذات سے مغفرت اور بخشش کی امید بھی لگائے ہوئے ہیں، جو گناہ کر رہے ہیں، مسلسل ڈٹے ہوئے ہیں، اس پر اصرار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب موت آ جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ اب اس دنیا سے جانا ہے، رخصت ہونا ہے، کہیں کہ تبت الآن، اب ہم توبہ کرتے ہیں، گناہوں کو چھوڑتے ہیں. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور معافی ہے جو کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جو گناہوں پر اڑے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی معافی کی امید نہیں ہے، جو کفر کی حالت میں اس دنیا سے جا رہے ہیں ان کے لیے بھی معافی نہیں ہے، مغفرت نہیں ہے. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک، تکلیف دہ عذاب تیار کر رکھا ہے. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، ہماری مغفرت اور بخشش کس کے لیے ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جو توبہ کر لے، گناہوں سے باز آ جائے، گناہوں کو چھوڑ دے، وآمن اور پھر ایمان لے آئے، وعمل صالحا، ایمان لانے کے بعد پھر نیک اعمال سے اپنی زندگی کو سوال لے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، ایسے وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں اللہ جن کی برائیوں کو بھی اچھائیوں سے بدل دے گا. اور تیسری جگہ اللہ نے فرمایا، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اللہ کی مغفرت اور بخشش اور معافی کی امید وہ رکھیں جن سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، فحش کام ہو جاتا ہے، یا وہ اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، اور گندا کام، برائی کا کام اور گناہ کا کام ہونے کے بعد فوراً وہ چوکنا ہو جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. فاستغفر اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا، اور جو گناہ ہو گیا ہے اس سے فوراً
बाहर आ जाते हैं, उस पर इसरार नहीं करते हैं। जान हुम या अलमून, जान बुझ कर कोई गुनाह नहीं करते, इल्म होने के बावजूद गुनाह पर डटे नहीं रहते, गुनाह नहीं करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए अल्लाह की माफी का ऐलान है, मगफिरत का ऐलान है, बख्शिश का ऐलान है। وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى। حضرت موسیٰ کی ذکر میں اللہ نے بیان فرمایا سورۃ طہٰ میں کہ میری معافی، میری مغفرت کن لوگوں کے لیے ہے؟ انی لغفارن، میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں اس شخص کو، ایسے لوگوں کو۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ، جو توبہ کر لے، جو گناہ سے باز آ جائے، وَآمَنَ، اور ایمان لے آئے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرنے لگ جائے، ثُمَّ اهْتَدَى، پھر ہدایت پر جمع رہے۔ چار چیزیں جس شخص کے اندر ہو اس کے لیے یہ بات ہے کہ وہ میری مغفرت اور بخشش کی امید رکھے، اور یہ اپنے دل میں بات سجائے رکھے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ پہلی چیز، گناہوں کو فوراً چھوڑ دے، توبہ کر لے۔ دوسری چیز، آمنا، اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سما لے، ایمان لے آئے۔ وعمل صالحا، اپنی زندگی کو نیک اعمال سے سوال لے۔ ثم اهتدى، توبہ کرنے کے بعد اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جمع لینے اور سما لینے کے بعد، اور نیک اعمال پر آ جانے کے بعد، ثم اهتدى، اس پر ڈٹا رہے، اس پر جمع رہے، ایسے شخص کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ میری مغفرت کی امید رکھے۔ تو یہ اللہ کا اصول ہے، یہ اللہ کا پہلا اصول ہے معاف کرنے کا، کہ گناہ فوراً چھوڑ دے، گناہ پر ڈٹا نہ رہے۔ گناہ پر ڈٹا ہوا ہے، ظلم کر رہا ہے، اور اللہ اس کے رسول کے حقوق کو طلب کر رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی امید رکھا ہوئی ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، یہ نادانی ہے، حماقت ہے اور جہالت۔ دوسرا اصول اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا، بخشش کا اور معافی کا، وہ یہ ہے کہ آپ رحم دل بنیے، مخلوق خدا کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے، خوش اخلاق بنیے، ہمدرد بنیے، مخلوق خدا کا درد اپنے دل میں رکھیے۔ بے رحم شخص ہے، سنگ دل شخص ہے، اور پتھر دل انسان ہے، دوسروں کے سلسلے میں ذرا بر بھی اس کے دل میں رحم دلی اور نرمی اور شفقت نہیں ہے، اور وہ اللہ کی ذات سے امید رکھے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، نہیں، سنگ دل ہے، لوگوں کو پریشان کرتا ہے، لوگوں کا جینا دوبھر کیے ہوئے ہے، لوگوں کے حقوق ہڑپ کیے ہوئے ہے، لوگوں کو ستاتا ہے، اللہ کے بندوں کو پریشان کرتا ہے، اور پھر اللہ کی ذات سے امید رکھے اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، نہیں، اللہ معاف اسے کرنے والا ہے جو رحم دل ہے، جو شفیق ہے، جو مسرتیں بانٹتا ہے، جو خوشیاں تقسیم کرتا ہے، جو بے لوث لوگوں کے ساتھ، مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے، جو تنگی اور پریشانی میں ان کا تعاون کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ایسا شخص اس بات کی امید رکھے اللہ معاف کر دے گا۔ انسان ہونے کے ناطے سے چھوٹی موٹی خطائیں ہو گئی تو اللہ بڑا غفار ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ اللہ کا اصول ہے؟ یہ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذریعے سے اپنی امت کو بتایا ہے کہ اللہ نے اس اصول کی بنیاد پر کہ جو مخلوق خدا کے ساتھ رحم دل ہوگا، شفقت کرنے والا ہوگا، یہ میرا اصول ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور اس کو جنت میں داخل کروں گا، جنت میں اسے مقام عطا کروں گا۔ صحیح بخاری میں تین واقعات ایسے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور بخاری شریف میں تینوں واقعات موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تلقت الملائکت روح رجل ممن کان قبلکم، تم سے پہلی جو قومیں گزری ہے ان قوموں میں ایک آدمی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی روح جب فرشتوں نے لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں اس کو پیش کیا گیا، اس سے کہا گیا حل عملت من خیر، کوئی نیکی ہے تمہارے پاس، کوئی خیر ہے،
कोई भलाई है तुम्हारे पास? अगर है तो पेश करो। उसने अल्लाह ताला से अर्ज किया, बारी ताला नेकियों का, इबादात का, रियाजत व मुजाहदात का कोई ढेर और खजाना तो मैं नहीं लेके आया, मेरे पास ज्यादा नहीं है, अंबार नहीं है। कहा नहीं, कोई नेकी हो तो देखो। कहा अपनी जिंदगी पर गौर कर लेने से मुझे एक नेकी, एक अच्छा काम मेरे सामने आ रहा है, वो ये है कि मैं एक मालदार इंसान था, ताजिर और व्यापारी इंसान था, अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा नवाज रखा था। वकुंतु आमुरु फितियानी, और मेरे कारिंदे थे, मुलाजिम थे, काम करने वाले गुलाम नौकर चाकर थे, मैंने उन्हें आर्डर कर रखा था, अन यतजावजु अनिल मुअसिरी, के जब वो लोगों के साथ मामला करें तो अगर मालदार आदमी है और वो मोहलत मांग रहा है, हमारा कर्ज है, हमारा हक है, उन पर वो मोहलत मांग रहा है, तो उसे मोहलत दे दे, और अगर तंग दस्त है, अदा नहीं कर पा रहा है, वो मोहलत मांग रहा है, तो उसे भी मोहलत दे दे। तो मैंने जिंदगी में अपना ये मामूल बना रखा था कि मैं मालदारों को भी मोहलत देता था, और जो तंग दस्त होते थे, जो अदा नहीं कर पाते थे, उनको भी ढील देता था कि इतनी मुद्दत के बाद फिर कोशिश कर लेना, अदा कर लेना। उसके बाद भी अगर वो अदा नहीं कर पाता था तो अतजावजु अनिल मुअसिर, तंग दस्त को मैं माफ कर देता था, जा तुझे अल्लाह के लिए मैंने माफ कर दिया है, ये मेरा मामूल था। जब उस बंदे ने अल्लाह ताला की बारगाह में ये कहा, ये चीज क्या है, ये काम क्या है, मखलूक खुदा के साथ हमदर्दी, नरमी, रहमदिली। अल्लाह ताला की बारगाह में जब उसने ये अर्ज किया, नेकियों का अंबार, इबादत का ढेर तो नहीं लेके आया, लेकिन ये एक काम है मेरे पास, अल्लाह ताला ने कहा, अच्छा तू मेरी मखलूक के साथ रहमदिली क्या करता था, जा आज तेरे गुनाहों के बावजूद मैं तेरे साथ रहमदिली का मामला करता हूं, तुझे माफ करता हूं, जन्नत में तुझे जगह देता। दूसरा सच्चा वाकया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, यह भी पिछली कौमों का है। कान रजुलुन यमशी बितरीकिन मर अला हुस्न शौकिन, एक आदमी था जो रास्ते से गुजर रहा था, और रास्ते से गुजरते हुए देखा कि उसने एक खारदार कांटेदार झाड़ी है या उसकी शाख है जो रास्ते पे पड़ी हुई है, और लोगों को उससे तकलीफ होती है, ईजा पहुंचती है, तो उसने ये सोचकर कि मखलूक खुदा को इससे तकलीफ पहुंच रही है, फअख्खरहु, उसको एक तरफ कर दिया, उसको रास्ते से हटा दिया, फशकरल्लाहु लहु फगफर लहु, अल्लाह की निगाह में उसके इस अमल की जो मखलूक खुदा के साथ आसानी का था, बड़ी कदर हुई, अल्लाह ने उसकी बड़ी कदर फरमाई और उसकी मगफरत का ऐलान कर दिया, उसके लिए जन्नत वाजिब कर दी। ये भी मखलूक खुदा के साथ नरमी का और आसानी का वाकया। एक तीसरा वाकया भी बुखारी शरीफ में आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक आदमी था, और बाज़ रिवायत में है कि एक औरत थी, बदकार गुनहगार इंसान था, औरत थी या मर्द था, लेकिन है सच्चा वाकया, बुखारी शरीफ में मौजूद है, कि वो रास्ते से गुजर रहा था, सफर कर रहा था, सफर करते हुए शिद्दत की प्यास लगी, जब उसे प्यास लगी इधर उधर देखा तो पानी का कोई इंतजाम नहीं था, एक कुआं उसे नजर आया, जब उसे कुआं नजर आया वो कुएं के पास गया, वहां कोई डोल नहीं था पानी निकालने के लिए, उसने वो कुएं के अंदर उतरा, और अंदर उतरने के बाद अपनी प्यास बुझाई, प्यास बुझाने के बाद वो कुएं से बाहर निकल आया, बाहर निकलने के बाद क्या देखता है कि फ़ाइज़ा बिकल्बिन याकुलु थरा मिन शिद्दतिल अतश, एक कुत्ता, कुत्ता है, हकीर मखलूक, हकीर मखलूक, किसी को तशबीह दी जाती है कुत्ता कह दिया जाता है, इससे हकारत और क्या होगी ज्यादा, तो कुत्ता था वो शिद्दत प्यास की वजह से, ज्यादा प्यास की वजह से, जो वहां कुएं के आसपास जो बचा हुआ पानी होता है लोग डाल देते हैं, गीली मिट्टी पड़ी रहती है, उसको चाट रहा है, अपनी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा है, जबान बाहर है, वो सिसक रहा है, उस गुनहगार इंसान को या उस फाहिशा औरत को उस पर बड़ा रहम आया, मैं भी एक इंसान हूँ, प्यास लगी हुई और मैंने तो अंदर उतर कर पानी पी लिया, अपनी प्यास बुझा ली, ये भी अल्लाह की मखलूक है और प्यास में है और शिद्दत प्यास है इसको, तो उसने ऐसा किया कि वो कुएं के अंदर उतरा, डोल तो था नहीं, कुएं के अंदर उतरा, पानी कैसे निकाले,
तो उसने ऐसा किया कि मोजा पहना हुआ था, चमड़े का मोजा, उसने वो मोजा निकाला और उस मोजे में पानी भरा, चमड़े के मोजे में पानी भरा। अब कुएं में उतरना तो आसान है, लेकिन कोई चीज हाथ में हो, डोल हो या पानी का कोई बर्तन हो, चढ़ना उससे निकलना बहुत मुश्किल है, अपनी जान को खतरे में डालना, कहीं अंदर गिर गया दोबारा। उसने अपनी जान को खतरे में डाला और उस मोजे में पानी भरा, और मोजे में पानी भरने के बाद चूंकि इस तरह करके ऊपर चढ़ना है तो फ़ाइज़ा अमसकहू बिफीही, उस मोजे को उसने अपने मुंह से पकड़ लिया और इस तरह मशक्कत करते हुए कुएं से बाहर निकला। वो जो कुत्ता सिसक रहा था, उस कुत्ते को सिसकते हुए उसने पानी पिला दिया, उसने पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और वो चलता बन गया। हदीस में आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, फशकरल्लाहु लहू फगफर लहू, अल्लाह ने उस गुनहगार इंसान या उस फाहिशा बदकारा औरत, क्योंकि दोनों तरह के अल्फाज हैं हदीस में, तो उस गुनहगार इंसान के इस अमल की इतनी कदर की कि एक मखलूक खुदा पर रहम किया है, उसको कबूल फरमाया और उसकी वजह से उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा दिए, उसके लिए जन्नत वाजिब कर दी। ये भी मखलूक खुदा के साथ रहम का मामला है। तो यहाँ से उलमाए किराम ने, मुहद्दिसीन ने उसूल बयान फरमाया, अगर अल्लाह से माफ़ी और मगफिरत और बख्शिश के उम्मीदवार हो तो खाली खोली उम्मीद मत रखो, बल्कि अल्लाह की मगफिरत के जो उसूल हैं उनको अपनाओ। और मगफिरत के उसूलों में से दूसरा उसूल ये है कि मखलूक के खुदा के साथ रहमदिली के साथ, हमदर्दी के साथ, शफ़क़त के साथ, आसान मामलात के साथ पेश आओ तो अल्लाह ताला की मगफिरत तुम्हें मिलेगी। तीसरी चीज़ जिससे अल्लाह तबारक व तआला गुनाह माफ़ फरमा देते हैं वो ये है कि एक इंसान नेक आमाल पर जमने के साथ, एक इंसान नेक आमाल पर जमने के साथ, गुनाहों से बचने के साथ साथ इंसानी ज़िंदगी में उसको मुश्किलात पेश आएँ, उसको आजमाइशें पेश आएँ, उसको परेशानियाँ पेश आएँ, उसको बीमारियाँ लाहिक हो और ख़ुद उसकी ज़ात में और उसके अहल वयाल मुतअल्लिक़ीन में उसे कोई तकलीफ पहुँचे, उस पर वो सब्र करे, उसको वो बर्दाश्त कर जाए और अल्लाह के उन फैसलों पर दिल से राजी रहे कि मर्जी मौला अज़हमा औला, मेरे मौला की मर्जी तमाम चीज़ों से बढ़कर है। अल्लाह से दुआ मांगता हूँ अल्लाह आजमाइश से निकाल दे, लेकिन अगर अल्लाह का फैसला यही है तो फिर मैं उसके फैसले पर दिल से राजी हूँ और उन आजमाइशों और मुसीबतों पर सब्र के साथ जमा रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को भी माफ़ फरमा देगा। यह भी अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, कुरान करीम ने इसको बयान फरमाया, ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ, फिर तुम्हारा रब उन लोगों के लिए जिन्होंने सब्र किया है बड़ा माफ़ करने वाला है, बख्शिश करने वाला है, मग़फ़िरत फरमाने वाला है। और सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने 23वें पारे में फरमाया, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب, जो सब्र करने वाले हैं अल्लाह ताला बग़ैर हिसाब किताब के उन्हें अजर अता फरमाएगा, इससे बढ़कर और क्या होगा। आज हमारी ज़िंदगी में हम देखते हैं मुआशरे और समाज में अच्छे खासे नमाजी हैं, हाजी हैं, रोज़े नमाज के पाबंद हैं, लेकिन ज़रा से भी मुखालिफ हालात पेश आ जाएँ और मिजाज के मुखालिफ बात पेश आ जाए, कोई बीमारी, कोई आजमाइश आ जाए तो बेसब्री का मुजाहरा करते हैं। बेसब्री के लिए, बेसब्री पर अल्लाह ताला की मगफरत का वादा नहीं है, सब्र करने वालों के लिए अल्लाह की मगफरत का वादा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा युसीबुल मुस्लिम मिन अज़न, जिस किसी भी मुसलमान को कोई तकलीफ पहुंचे, तकलीफ बीमारी की हो या कोई और तकलीफ हो, अल्लाह तबारक व तआला उस पर सब्र करने की वजह से उसके गुनाहों को इस तरह माफ़ कर देते हैं जैसे पतझड़ के मौसम में जब हवा चलती है और दरख्तों के पत्ते गिर जाते हैं, जड़ जाते हैं। अल्लाह आजमाइशों मुसीबतों की वजह से एक ईमान वाले को जो उस पर सब्र करे उसके गुनाहों को झाड़ देते हैं। और दूसरी हदीस में आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मा युसीबुल मुस्लिमा मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला हज़न वला अज़न वला गम हत्ता शौका युशाकुहा इल्ला कफ़रल्लाहु बिहा खताया, जिस किसी भी मुसलमान को कोई तकलीफ पहुंचती है, कोई परेशानी पहुंचती है, कोई तकलीफ दे चीज़ उसे लाहिक होती है, कोई हुज़्न और गम उसे लाहिक होता है
और कोई परेशानी और टेंशन उसे लाहिक होती है, जो कोई भी चीज़ इंसान को परेशान करने वाली होती है उसे लाहिक होती है, और उस पर वो सब्र करता है, यहाँ तक कि अगर कांटा भी चुभता है, रास्ता चलते हुए कांटा चुभ जाता है, कील चुभ जाती है, कान चुभ जाता है, उस पर वो सब्र करता है, अल्लाह का फैसला समझ कर राजी रहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले उसके गुनाहों को झाड़ देते हैं, माफ़ कर देते हैं और जन्नत में उसके मकाम को बुलंद करते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का फरमान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जिस किसी भी मोमिन मर्द या मोमिन औरत के साथ आजमाइश आती है, परेशानी आती है, खुद उसकी ज़ात में, खुद बीमार पड़ गया, खुद पर कोई मुसीबत आ गई, और उसकी औलाद में, उसके अहलो अयाल में या उसके माल में आजमाइश आ जाती है, परेशानी आ जाती है, और वो उस पर सब्र करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को भी माफ़ फरमाते हैं और उसकी ख़ताओं को झाड़ देते हैं, यहाँ तक कि हत्ता यलक़ल्लाह अज़्ज़ा वजल, जब अल्लाह ताला से मिलेगा तो इस हाल में मिलेगा कि गुनाह उसे बिल्कुल पाक और साफ़ होगा, जिस तरह मैले कुचेले कपड़े को पानी से और साबुन से साफ़ कर दिया जाता है और वो चमक जाता है, और जिस तरह लोहे को भट्टी में डालकर तपाया जाता है और उसके ऊपर जंग को उतार दिया जाता है और वो चमक जाता है, इसी तरह ये ईमान वाला अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि वो गुनाहों से पाक और साफ़ होगा और चमक रहा होगा। तो ये तीन बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी कि अल्लाह की ज़ात से मग़फ़िरत और बख्शिश की उम्मीद लगाए हुए हैं, इसी तरह खामखा की उम्मीद लगाना ये सही नहीं है। इन तीन उसूलों पर आप अमल करेंगे तब जाके अल्लाह माफ़ करेगा और अल्लाह की बख्शिश आपको मिलेगी। पहली चीज़ मैंने ये बताई कि गुनाह अगर अनजाने में हो गया है और फिर माफ़ी मांगी, जानबूझकर आप गुनाह कर रहे हैं, इल्म होने के बावजूद गुनाह कर रहे हैं और गुनाहों पर अड़े हुए हैं और फिर कह रहे हैं अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है, नहीं, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह उसे माफ़ करता है जो नादानी में गुनाह कर बैठे, फिर जल्दी तौबा कर ले और फिर नेक अमाल के रास्ते पर लग जाए। और दूसरी चीज़, मखलूक खुदा के साथ रहम करने वाला, अगर संगदिल इंसान है, चाहे नमाजी हो, चाहे हाजी हो, चाहे रोज़ों का पाबंद हो, चाहे नेक अमाल करने वाला हो, चाहे पगड़ी बांधने वाला हो, चाहे दाढ़ी वाला हो, मखलूक खुदा उससे परेशान है, अल्लाह की मगफरत नहीं मिलेगी, अल्लाह उसे माफ़ नहीं करेगा। मखलूक खुदा के साथ हमदर्द बनिए और फिर इबादत तो आपके काम आएगी, रस्मी इबादत काम नहीं आएगी। और तीसरी चीज़, आजमाइशों पर सब्र, ये तीन उसूल हैं अल्लाह की मग़फ़िरत और बख्शिश के। अल्लाह पाक इन उसूलों पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता